मत छूना, इसे मत छूना, वरना वरना क्या? वरना ये पिंजरा एक दहकता हुआ अलाव बन जाएगा और मैं इसमें जलकर राख हो जाऊंगा। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि एक जादू का पिंजरा है, इसमें एक ऐसा असर है कि जो कोई भी मेरे अलावा इसे हाथ लगाएगा वो खुद भी जल जाएगा और मैं भी जल जाऊंगा। तो फिर तुम्हें यहां से रिहाई किस तरह मिलेगी? जिस दिन वो देव मारा जाएगा उसका जादू भी खत्म हो जाएगा और मैं आजाद हो जाऊंगा, और मेरे साथ साथ मेरी गजाला भी आजाद हो जाएगी। गजाला कौन? मेरी महबूबा, मेरी जिंदगी, मेरी होने वाली बीवी। मगर अब शायद कभी न मिल सकेंगे, कभी एक दूसरे को देख न सकेंगे। तुम्हारी गजाला इस वक्त कहां है? इस वक्त वो उसी जालिम की कैद में है। पता नहीं बेचारी पर क्या गुजरती होगी, वो किस हाल में होगी, मुझे कुछ नहीं मालूम। जगह कहां है जहां वो कैद है? पहाड़ी के पार एक किला है, उसी किले में मेरी गजाला कैद है। मैं उसे उस कैद से आजाद कराऊंगा, उसे तुमसे मिलवाऊंगा। तुम्हारी हमदर्दी का शुक्रिया दोस्त, मगर यह काम किसी इंसान के बस में नहीं है। वो देव बहुत जालिम भी है, बेरहम भी और ताकतवर भी। तुम मेरी खातिर अपनी जान क्यों गंवाते हो? जाओ अपना रास्ता लो और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो मेरे दोस्त। नहीं मेरे अजीज, अगर मैं तुम्हें इस हाल में छोड़कर तुमसे मुंह मोड़कर चला जाऊं तो खुदा को क्या मुंह दिखाऊंगा? यह नहीं हो सकता। अब तो मैं उस जालिम का खात्मा करके, उसका सर कुचल के तुम्हें तुम्हारी गजाला से मिलाकर ही जाऊंगा। मैं फिर कहता हूं कि यह काम किसी इंसान से नहीं हो सकता। तुम्हें इंसान की ताकत का अंदाजा नहीं। दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत भी इंसान को शिकस्त नहीं दे सकती। इंसान फातेह था, फातेह है और फातेह रहेगा। मौत की वादी तक जाना चाहता हूं। मौत की वादी? हाँ, और सुना है कि तुम उसके बारे में बहुत कुछ जानते हो। हाँ, मगर बस इस पिंजरे में रहकर तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि तुम्हें इस कैद से आजाद कराकर ही दम लूंगा। अगर तुम अपने इरादे में कामयाब हो गए तो मैं तुम्हारी पूरी पूरी मदद करूंगा, मगर उस जगह का नाम मौत की वादी है। जो भी वहां जाता है वो वापस नहीं आता। मैं जरूर वापस आऊंगा, मगर पहले तुम्हारी मुश्किल हल करूंगा। तो जाओ, खुदा तुम्हारी मदद करे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। परवरदिगार, इस नेक इंसान को उस जालिम के जुल्म से बचा। क्या माजरा है? अभी यहां शोले भड़क रहे थे, अभी सब गायब। अल्लाह
मैं अंदर कैसे जाऊंगा? कर मदद। सुनिए, अरे भाई सुनो, उठो, अरे भाई उठो, उठो, सुनो।
ये मैं किस जादू नगरी में आ गया हूं? ये क्या राज है? कैसा भेद है ये? वैसा ही याकूत। इसका मतलब है कि खून के कतरे याकूत बनकर नीचे टपक रहे हैं।
ये तूने मुझे एक इम्तिहान से निकालकर दूसरे इम्तिहान में डाल दिया। होश में आओ गजला। तुम जालिम कमीने बेरहम, आखिर तू मेरे साथ ये सलूक क्यों करता है? क्यों क्यों? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? कौन सी बुराई की है तेरे साथ? थक गई ना? रोज यही होता है, पहले बरसती हो, गरजती हो, काटती हो, नोचती हो और फिर रोना शुरू कर देती हो। जब तक तुम मेरी बात नहीं मानोगी तब तक यही होता रहेगा, बस यही होता रहेगा। तुम मुझे रोज मारोगे, रोज जिलाओगे, रोज सताओगे, रोज तड़पाओगे, यही ना? लेकिन ये भी सुन लो, हजार बार कत्ल करोगे, हजार बार जिंदा करोगे, तब भी मैं यही कहूंगी कि नहीं, 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 यही ना? हाँ, मैं हर बार इनकार कर दूंगी। मेरे जिस्म की एक एक बोटी, खून का एक एक कतरा इनकार करेगा। इसी बात का तो अफसोस है गजाला कि मैं तुम्हारे इनकार को इकरार में नहीं बदल सका। आज तक जो मैंने चाहा मिल गया, जिस चीज की ख्वाहिश की वो मेरी गुलाम हो गई, पर मैं तुम्हारा गुलाम हो गया गजाला, एक मामूली सा गुलाम, क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, तुम पर जान छिड़कता हूं गजाला।
अलिफ लैला अलिफ लैला।